बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। और अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 7। तो आज लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस के आईआईटी जेईई मेंस के, नीट के लेवल के, और इनफैक्ट आईआईटी जेईई एडवांस के आए हुए सवाल हम डिस्कस करेंगे। बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताएंगे, अच्छे अच्छे सवालों को धुआं धुआं कर देंगे लेक्चर में, ठीक है? बहुत मजा आएगा, एकदम टेंशन मत लो। क्वेश्चन यहां पे लिख के आएगा, पॉज करना, खुद से अटेम्प्ट करना, जब ना बने तब सोल्यूशन देखना। कम से कम 5-10 मिनट क्वेश्चन को देना, मेहनत करना, तभी कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, है ना? वरना ऐसे क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन देखा, कुछ मिलेगा नहीं। देखो, अपना सर पटको, जब नहीं बने तब सोल्यूशन देखो। तो एक एक करके क्वेश्चन लिख के आएंगे, पॉज करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे। अब जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी नंबर 05 से। कहाँ मिलेगी डीपीपी? www.physicswalaalakpandey.com। तो physicswalaalakpandey.com पे आप जाओगे, उसके होम पेज पे आपको एक ब्लॉक मिलेगा अल्फा 11 फिजिक्स, आपका अल्फा बैच है, उस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे क्लिक करोगे, और फिर नेक्स्ट पेज पे जाके डीपीपी नंबर 05 डाउनलोड कर लोगे। लिंक मैं नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हाँ, ये बात जाहिर है कि जिसको एरर एनालिसिस के बेसिक्स आते हैं, फॉर्मूले पता हैं, हल्की फुल्की नॉलेज है, वही इस लेक्चर को देखे तभी उसको मजा आएगा। तो अगर आपने कोचिंग में, स्कूल में, किताब से, कहीं से भी अगर ये टॉपिक पढ़ रखा है तभी ये लेक्चर देखो। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट 06 एरर एनालिसिस पार्ट 1 फिजिक्स वाला करके सर्च कर लेना, उसमें हमने बेसिक चीजें पढ़ाई है। तो शुरू करें, बहुत मजा आने वाला है। तो यस, माई नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटिफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाने स्टार्ट करो। आज तो चूहा खाने की आज कोशिश भी मत करना, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। तो शुरू में थोड़ा 1-2-3 आसान सवाल लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस बन जाए, फिर लेवल बढ़ाते हैं। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं डीपीपी नंबर 5। क्या है डीपीपी नंबर 5, जिनको नहीं पता छोड़ो, सवाल देखो, सवाल लिख के आ गया है। तो डीपीपी नंबर 5 का सवाल नंबर 3 है, सवाल लिखा हुआ है, हाँ, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस है आर। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%। अच्छा, परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 1%, ये गिवन है हमें। क्या पूछा है हमसे? द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%। फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, हमसे पूछा है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। बहुत ही हलवा सवाल है, एक बार खुद से आप इसको अटेम्प्ट करें पॉज करके। हो गया 1, 2, 3, 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1, 2, 3, 4, सर जी बंद करो ये अत्याचार। चलो बताएं, स्टार्ट करें, कर लिया है, बहुत बढ़िया। परसेंटेज एरर इन आर, है ना, जिनको बोर लग रहा है आगे बढ़ो, बढ़िया सवाल भी है ना, थोड़ा सा गर्म हो जाए हम लोग, प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा वार्म अप हो जाए। परसेंटेज एरर इन आर, बच्चों परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1%, है ना, थोड़ा वार्म अप हो जाए। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम चाहिए हमें, मतलब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेल्टा वी बटे वी इंटू 100 की वैल्यू। बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के वॉल्यूम का? 4/3 πr³। क्या आपको पता है कि अगर मैं इधर डेल्टा वी बटे वी लिखूं तो 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये तो मर जाएंगे, क्या बचेगा? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बटे आर। मेरे ख्याल से इतना एरर एनालिसिस आपको आता होगा, है ना, पावर इधर आ जाती है डेल्टा आर बटे आर, दोनों तरफ मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूं, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज एरर इन आर, ये हो गया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन आर, द आंसर इज 3%। हाँ सर जी, बहुत ही हलवा सवाल था, कर लिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद थोड़ा समझ आए, शायद। मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं। ओके, स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। नेक्स्ट सवाल, गिवन आर वन इज इक्वल्स टू 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम एंड आर टू इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है बताओ, 10.0 प्लस माइनस 0.1 ओम। अच्छा, दो रेजिस्टेंस दिए हैं, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ पॉसिबल
परसेंटेज एरर हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में विथ परसेंटेज एरर। पॉज करके ट्राई करेंगे, जरा थोड़ा सा बढ़िया सवाल ट्राई करेंगे। हो गया करें हम, पॉज करके ट्राई कर लो, कर लिया। अच्छा चलो आओ करते हैं। दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में है, तो बच्चों पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, जुम्बा जुम्बा जुम, फिर बोलो जुम्बा जुम्बा जुम, ऐसे ही होता है ना, ये आर वन या आर टू। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल, अच्छा अब यहां से देखो क्या करें, यहां से तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते थोड़ी तुम, तुम्हें एडिशन का पता है, मल्टीप्लीकेशन का, इस तरह का तुमको कोई फॉर्मूला नहीं बताया। हमने तुम्हें ये बताया था कि क्वांटिटी अगर x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है तब डेल्टा x कैसे होता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। पर ये 1 बाई ए और 1 बाई बी है, इसके लिए वो चीज़ वैलिड नहीं है, इसीलिए सवाल थोड़ा बढ़िया हो जाता है। यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि ये a है और ये b है, आप सीधा लिख दो अभी यहाँ से क्या डेल्टा r इज इक्वल्स टू डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2, दिस विल बी रॉन्ग। पहले आओ इसको हम r को सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, क्या करना पड़ेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू LCM कितना हो जाएगा, R1 R2। मतलब पहले तो ये समझ में आया ना कि नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये 1/A और 1/B है, इसके लिए वो चीज़ वैलिड नहीं थी। अच्छा यहाँ से LCM हो गया R1 R2, यहाँ क्या आ जाएगा R2 प्लस R1, यहाँ से R इक्विवेलेंट उस तरफ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कई लोग को ये फॉर्मूला पता होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो ये क्वांटिटी हो गई, ये एक क्वांटिटी हो गई, ये एक क्वांटिटी हो गई, और R1 प्लस R2 अपने आप में क्वांटिटी हो गई। जैसे मान लो ये वेरिएबल A, वेरिएबल B और ये वेरिएबल C, ऐसा लिखा है, समझ लो x इज इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू सी। अब बोलो डेल्टा x बाई x क्या हो जाएगा, डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C, ये तो पता है सबको। तो देखो एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, और R1 प्लस R2 को एक वेरिएबल बना लो, यहां निकाल लो R1 प्लस R2 की वैल्यू निकाल लो, नहीं निकाल सकते, R1 प्लस R2 ये इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 प्लस माइनस। एरर क्या होती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा ऐड होती है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, एरर हमेशा ऐड। तो R1 प्लस R2 करोगे, एक तो इनकी ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगी ट्रू वैल्यू, और एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, तो 0.2 प्लस 0.1 0.3 R1 प्लस R2 ये वेरिएबल आपको मिल गया, तैयार। नहीं समझे, A B C, ये A ये B और ये C, ये डेल्टा C हो गया, ये C हो गया, ये इसकी एरर हो गई, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई, यही तो चाहिए हमें, डेल्टा X बाई X, डेल्टा A बाई A, डेल्टा B बाई A, डेल्टा C। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया A B इंटू C, A B अपॉन C के फॉर्म में, डेल्टा A, डेल्टा B और डेल्टा सी, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, समझ गए। चलो इस कंसेप्ट को लगाते हैं हम, यानी यहां से हम बोलेंगे डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इज इक्वल्स टू, बोलो डेल्टा आर वन बटे आर वन प्लस डेल्टा आर टू बटे आर टू प्लस डेल्टा आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये अपने आप में एक वेरिएबल बन गया है पूरा, ठीक। सो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर, डेल्टा आर वन बटे आर वन, डेल्टा आर वन ये, आर वन ये, तो 0.2/5 प्लस डेल्टा आर टू बटे आर टू 0.1/10 प्लस डेल्टा आर वन प्लस आर टू ये रहा 0.3/15। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, एक तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, वो तो हम निकाल लेंगे सीधा सीधा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10, वो तो आसान है, इन पैरेलल विथ परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, सो डेल्टा आर ई बटे आर मल्टीप्लाइड बाई 100, इस तरफ के सारे टर्म मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, 0.2/5 इंटू 100, 0.1/10 इंटू 100, 0.3/15 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा जीरो आया, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 5 × 5, 5 × 2 = 10, ये हो गया 4,
यहाँ से पॉइंट हटा, जीरो आया, जीरो जीरो कैंसिल, बचा वन, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ जीरो लगा, जीरो जीरो कैंसिल, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, फाइव टू ज़ा टेन, यहाँ से आया टू, चार दो पाँच, चार दो छः एक सात, 7%। तो परसेंटेज एरर आपको मिल चुकी है कितनी, 7%। और क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, वो तो बहुत आसान है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चाहिए थी और उसमें एरर भी चाहिए था। एरर इस तरह से निकालना मुश्किल था क्योंकि हमने ए प्लस बी पढ़ा है, ए इंटू बी, पर वन बाई ए प्लस वन बाई बी नहीं पढ़ा। इसको करने का दूसरा तरीका है डिफरेंशिएट करके, और वो लंबा हो जाता। अपन ट्रिक लगाया, शॉर्टकट में किया अपन ने, वन बाई आर वन, हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, ए बी सी, इस क्वांटिटी को हमने निकाल लिया। अब डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, और डेल्टा सी बाई सी, और ये तो आप तुरंत निकाल सकते हो, आर वन इंटू आर टू यानी पांच इंटू दस अपॉन आर वन प्लस आर टू यानी पांच प्लस दस, कितना हो गया, 50/15, 5 10 50, 5 3 15, दिस विल बी 3.33 ohms, 3.33 ohms, बोलो सही है। बट इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर दो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तीन, तो आंसर में कितने होने चाहिए, दो, मल्टीप्लाई हो रही है ना सिग्निफिकेंट फिगर, आर वन इंटू आर टू, तो इसमें दो ही हैं, इसमें तीन है, दो होनी चाहिए आंसर में, सो इट विल बी 3.3 ohms राउंड ऑफ करके। सो आर ई की वैल्यू हो गई 3.3 ohms और परसेंटेज एरर हो गया 7%। क्लियर है, मजा आया, कहीं कोई डाउट, सर यहीं पे क्यों नहीं लिख लिया, डेल्टा आर ई बाई आर इज इक्वल्स डेल्टा आर वन बाई आर वन, डेल्टा आर टू बाई आर टू, ऐसा कोई तरीका हमने आपको बताया नहीं है, बीच में प्लस का साइन है, हमने जो आपको सिखाया था ये एक्स इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी, इस तरह का जो भी सिखाया था, या ऐसा भी सिखाया था कि पावर पी क्यू आर, कहीं प्लस का साइन नहीं था। इसमें दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस भी आ गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोचते हो कि ऐसे हिला दिया जाए, सीधा लिख दें डेल्टा आर ई अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू डेल्टा आर वन बटे आर वन प्लस डेल्टा आर टू बटे आर टू, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। ये तो तब होता जब आर वन आर टू मल्टीप्लाई हो रहे होते, ये वन बाई ए प्लस वन बाई बी का फॉर्म है, इसको चेंज करना पड़ेगा, या तो डिफ्रेंशिएट करो, वो अभी आपको हम सिखा नहीं सकते, डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया नहीं है। तो हमने फॉर्मूला बनाया, हमने कहा इसको ये तीन टर्म बन गए ए बी सी, सी टर्म हमने निकाल लिया, हमें पता था कैसे ऐड करते हैं, रियल वैल्यू में रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड करो, और एरर हमेशा ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको मिलेगा जेई 2017 एडवांस के सवाल में भी यही कंसेप्ट, वहां लगाना होगा थोड़ा सा। मिटा रहे, तैयार, चलो नेक्स्ट सवाल, डीपीपी का सवाल नंबर 5 है मेरे ख्याल से, डीपीपी का सवाल नंबर 5, क्या है, हाँ, द लेंथ ऑफ वन रॉड इज 2.53 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द अदर इज 1.27 सेंटीमीटर। दो रॉड हैं, उनकी लेंथ दे रखी है, एक रॉड है मान लो ये, इसकी लेंथ है 2.53 सेंटीमीटर, और दूसरा रॉड है, इसको वाई ले लेते हैं, इसकी लेंथ है 1.27 सेंटीमीटर, थोड़ा छोटा है। ठीक है, क्या पूछा है, द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। अब ये एक नई चीज है, लीस्ट काउंट पूछा क्या है, इफ द टू रॉड्स आर पुट टुगेदर एंड टू एंड फाइंड द कंबाइंड लेंथ। ठीक है, एक रॉड ये, एक रॉड ये, इनको एंड टू एंड रख दिया, यानी ऐसे जोड़ दिया एक तरह से, इफ द टू रॉड्स आर पुट एंड टू एंड फाइंड द कंबाइंड लेंथ, आपको कंबाइंड लेंथ बताना है कितनी हो गई, इसकी टोटल लेंथ अब कितनी हो गई, सबको पता है, बहुत आसान है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, बहुत आसान है, तो एक्स में y जोड़ देंगे, बहुत ही आसान, 2.53 प्लस 1.27, यही तो पूछ रहा है ना, फाइंड दी कंबाइंड लेंथ, तो चलो कर देते हैं, 7 और 3 10, 1 2 3 5 8, 3.80 सेंटीमीटर, लो कंबाइंड लेंथ मिल गई। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कुछ एरर रही होगी और इसमें भी कुछ एरर रही होगी, मतलब हमको लेंथ तो मिल गई, अब हमें क्या चाहिए, एरर इन लेंथ,
भाई हमको एल की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा एल भी तो चाहिए। एक्स में कुछ एरर है, वाई में कुछ एरर है, जोड़ने में भी तो कुछ एरर आएगी, तो डेल्टा एल कितना है? तो सबको पता है अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो उनकी एरर भी ऐड हो जाती है। देखो यहां पे ये चीज हो सकती थी, अभी 1 बाई एक्स 1 बाई वाई लिखा होता तो नहीं, सिंपल एडिशन, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब बात ये है कि इसमें एरर है कितनी, ओए होए 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 सर इसमें तो एरर दे ही नहीं रखा कहीं, ना ही प्लस माइनस करके कुछ लिखा है, ना ही बताया है कि इसमें एरर इतनी है। हाँ उधर कुछ लिखा है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब समझते हैं, पहली बात ये पकड़ो जो लीस्ट काउंट होता है वही एब्सोल्यूट एरर होता है, जो लीस्ट काउंट होता है वही एब्सोल्यूट, पहले एक बात ये कहीं लिख लो, जो लीस्ट काउंट है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर, यानी इसमें कितनी एरर है 0.01 सेंटीमीटर, इसमें कितनी है 0.01 सेंटीमीटर, पहले तो पकड़ लो। सर कैसे हुआ? बिल्कुल अब समझते हैं इस बात को। लीस्ट काउंट बेटा होता क्या है, जैसे लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विथ दैट इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने ये लेंथ मेजर की है, हो सकता है हमारे पास मीटर स्केल हो सकता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स हो, या हो सकता है हमारे पास स्क्रू गेज हो, ठीक है। इसकी लीस्ट काउंट देख के लग रहा है हमारे पास वर्नियर कैलिपर था, है ना, लेंथ मेजर करने के लिए। तो इसकी जो लीस्ट काउंट है, जो सबसे छोटी मेजरमेंट ये ले सकता है वो है 0.01 सेंटीमीटर, इससे छोटी मेजरमेंट ये नहीं ले सकता। जो सबसे छोटी लेंथ ये मेजर कर सकता है दैट इज 0.01, इससे छोटी करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा। मतलब 2.53 सेंटीमीटर के बाद ये जो अगली लेंथ मेजर कर पाएगा वो कितनी होगी, इसके बाद 0.01 और ऐड कर दो यानी 2.54 सेंटीमीटर, कितना ऐड किया, ये इसके इंटरवल में ही लेंथ मेजर कर पाता है, इससे कम इंटरवल की लेंथ मेजर नहीं कर सकता। कहने का मतलब 1.20 के बाद अगली लेंथ जो इसका स्केल दिखाएगा वो 1.21 होगी, यानी किसी रॉड की लेंथ यदि 1.201 हो, 1.209 हो, वो उन सबको मेजर नहीं कर सकता इंस्ट्रूमेंट, सबसे छोटी लेंथ जो मेजर कर सकता है वो है 0.01, उसके बाद 0.02, उसके बाद 0.03, करते करते 1.20, इसके बाद 1.21, इसके बाद 1.22, इसके बाद 1.23, ये इन लेंथ को मेजर कर सकता है, इनके बीच की कोई लेंथ होगी तो उसको मेजर नहीं कर पाएगा। जैसे यहां 2.53 के पहले ये कौन सी लेंथ मेजर किया होगा, 2.52, इनके बीच की कोई लेंथ हो, जैसे मान लो 2.521, उसको भी क्या पढ़ लेगा ये 2.52, 2.523 उसको भी 2.52, 2.529 उसको भी 2.52, क्लियर है। तो हम लोग यहां आते हैं, इस पे आते हैं, मान लो जो रॉड है इसकी जो ट्रू वैल्यू है, मान लो इसकी जो ट्रू वैल्यू है दैट इज 2.5399 एक्चुअल वैल्यू, आपने वर्नियर कैलिपर या जो भी इंस्ट्रूमेंट है रखा, ये क्या पढ़ सकता है, या तो 2.53 या तो 2.54, इनके बीच की लेंथ ये मेजर नहीं कर सकता, इसका लीस्ट काउंट 0.01 है, इसके बाद 0.01 बढ़ाकर सीधा ये मेजर करेगा, ये समझ में आ रहा है। उसका सबसे छोटा मेजरमेंट जो ले सकता है 0.01, अगला 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 1.01, 1.02, 1.03, 2.53, 2.54, इनके बीच की मेजरमेंट ले ही नहीं पा रहा है। तो इस लेंथ, अगर मान लो ये लेंथ होती तो इसको या तो ये पढ़ लेता या तो ये पढ़ लेता, ये भी पढ़ सकता है। अब ये मत कहना सर उधर पड़ेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, गलती करने पे ये भी गलती हो सकती है, वो भी, इधर से गलती हुई तो मिनिमम एरर, इधर से गलती हुई तो मैक्सिमम एरर, हमको किस पे ध्यान देना होता है, मैक्सिमम एरर पे। तो ये इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम एरर क्या कर सकता है, मैक्सिमम एरर तब कर सकता है जब जो लेंथ ट्रू हो वो इसके जस्ट पहले हो, यानी 2.53999, और गलती से आप उसको रीड कर लो 2.53, वो तो अच्छा केस हुआ कि आपने ये रीड किया, तब तो एरर बहुत छोटी सी, गलती से एरर हो गई, कितनी 0.0001, बहुत छोटी एरर। पर मान लो इसको आप ये रीड कर लो, तब आपने मैक्सिमम एरर कर दी। तो यहां पे आप मैक्सिमम एरर कितनी कर सकते हो,
मैक्सिमम एरर आप कर सकते हो यहां से यहां कितना हो गया डिफरेंस बोलो, 0.00999 ये एरर हो सकती है। एक्चुअल जो इसकी लेंथ है दैट इज 2.539999। आपने वर्नियर कैलिपर रखा, आपने गलती से या तो ये मेजर करोगे या तो ये, बीच में और कुछ मेजर हो नहीं सकता। तो इधर 2.5 थी और 2.54, आपने बड़ी गलती करके 2.53 लग दिया, यानी आपने कितनी बड़ी एरर कर दी, इसमें से ये माइनस करके देख लो 0.00999, यानी आपने करीब करीब कितनी एरर कर दी, 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द मैक्सिमम एरर दैट कैन यू डू, दैट यू कैन डू, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। यही तो मैंने बोला लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर। जितनी लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, चाहे ये लेंथ की बात हो, टाइम की बात हो, मास की बात हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होती है वही उसकी मैक्सिमम एरर। जो सबसे छोटी मेजरमेंट वो कर सकता है वही सबसे बड़ी गलती भी वो कर सकता है। समझ में आई बात? जहां तक वो जा सकता है, सबसे सबसे बढ़िया मेजरमेंट हम ये कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते। मतलब सबसे बड़ी एरर भी हम ये कर सकते हैं, इसके ऊपर की एरर भी नहीं होगी क्योंकि इसके बाद मेजरमेंट परफेक्ट है। समझ में आ रही बात? कि यहां तक हमारा परफेक्शन है, इसका मतलब इसके पहले हमारी एरर थी। इस जगह तक जाके हम परफेक्ट है, मतलब इसके पहले हम एरर कर सकते हैं। समझ आया? जैसे आप बोलो कि मैंने बोर्ड लेवल की तैयारी बहुत तगड़े से की है, मैं आईआईटी जेई मेंस के लेवल के सवाल में शायद फंस सकूं, तो तुम्हारी मैक्सिमम एरर कहां पे हो सकती है? बोर्ड लेवल के सवाल के एंड पे। बोर्ड के सवाल आप सारे सही करोगे, हो सकता है एकदम टॉप लेवल पे जाके एक गलती कर दो। सो जहां पे आपका परफेक्शन खत्म होता है वहीं पे आपकी एरर स्टार्ट होती है। ठीक, सबसे छोटी मेजरमेंट आप 0.01, यानी सबसे बड़ी गलती भी आप क्या कर सकते हो, 0.01। सो अब याद रखना है कि जो भी लीस्ट काउंट गिवन होता है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। इससे ज्यादा गलती तो नहीं कर सकते ना। हाँ, आप ये कहोगे सर इसको हमने ये पढ़ लिया तो अच्छी बात थी, एरर कम हो जाएगी, हम तो हमेशा मैक्सिमम एरर चाहते हैं। सो यही डेल्टा एक्स की एरर होगी, यही डेल्टा वाई, ये भी लेंथ है भाई, ये भी लेंथ है। सो 0.01 प्लस 0.01 कितना हो गया, 0.02 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे इस लेंथ को, कंबाइंड लेंथ को, 3.80 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। अब ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे लीस्ट काउंट वाला, परफेक्ट दिमाग में घुस गया है, क्लियर है एकदम। चलो यहां तक आप सही मेजर कर सकते थे, यानी इसके जस्ट पहले वाली मेजरमेंट आपसे गलत हो सकती है। तो सबसे बड़ी एरर ये हो सकती है 0.09999999, उसको हम क्या बोलेंगे, 0.01। बेटा रे ओके, चलो अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब उठाते हैं आईटी जेई मेंस 2019 का सवाल। सवाल आपके सामने, इसमें लीस्ट काउंट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और एक और कॉन्सेप्ट आएगा नया। हो सकता हो ये सवाल आपने पहले से सही कर लिया हो, पर आप शायद कॉन्सेप्ट जरूर गलत किए होगे इसका। तो हम सवाल लेने जा रहे हैं जेई मेंस 2019 का सवाल, बढ़िया सवाल है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13, यानी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 13, जेई मेंस 2019। पढ़ लिया सवाल आपने, ओके, क्या कह रहा है? इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। चलो वॉच है जिसकी लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड। अच्छा, क्या मेजर किया आपने? टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, कितना है 20 ऑसिलेशंस का टाइम, 30 सेकेंड्स, है ना, दिया है ना, क्या दिया है, द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड्स। कहने का मतलब जरा समझते हुए चलो सवाल को, 20 ऑसिलेशन करा रहे हैं पेंडुलम के, 1, 2, 3, 4, एक ऑसिलेशन ये होता है ये पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 20 ऑसिलेशन करा रहे हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार, 20 ऑसिलेशन की, 20 ऑसिलेशन फिर की, 20 ऑसिलेशन फिर की, और हर बार हम देख रहे हैं कि 20 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा। ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे भी क्लास 11th में फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जी, फिर आप परसेंटेज एरर भी निकालते हो जी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू निकालते हैं। तो आप 20 ऑसिलेशन लिए और 20 ऑसिलेशन में आपने देखा कितना टाइम लगा, फिर दूसरी बार फिर किया, फिर देखा कितना टाइम लगा, फिर देखा कितना टाइम, कई बार किया ताकि एक बढ़िया वैल्यू आए। तो हमने देखा करीब करीब 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड। देखो द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन
कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड्स, यानी टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस करीब करीब कितना आ रहा है, 30 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड नहीं है, अगर ये गलती की है तुमने तो आप समझ गए होगे, ये टाइम पीरियड नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हो सकता है ये सवाल तुम्हारा सही हो जाए गलत कॉन्सेप्ट के साथ, पर आप फंस जाओगे जैसे ही जेई 2010 का सवाल आएगा, कॉन्सेप्ट गलत हुआ तो, इसी कॉन्सेप्ट पे है, ध्यान से। द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस मेजर्ड बाय अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट, वॉच है जिसकी लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, यानी सबसे बड़ी एरर क्या कर सकती है घड़ी, 1 सेकेंड की, है ना। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड, आपने 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया, कितना आया 30 सेकेंड, और इसमें एरर कितनी कर सकते हो आप, 1 सेकेंड की। आपने 20 ऑसिलेशन किया, हमने बोला कितना टाइम लगा, आपने बोला सर 20 ऑसिलेशन में 30 सेकेंड लग रहे हैं, कभी 29 लगते हैं, कभी 31 लगते हैं, और कभी 30, तो एवरेज 30, 20 ऑसिलेशन में सर करीब करीब 30 सेकेंड। हम पूछे कितनी एरर हो सकती है उसमें, आपने बोला 1 सेकेंड की एरर हो सकती है, क्योंकि ये वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, है ना, सबसे बढ़िया मेजरमेंट ये 1 सेकेंड तक ले सकता, तो 1 सेकेंड की गलती ये कर सकता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे क्या है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर एंड द लेंथ ऑब्टेन्ड इज 55 सेंटीमीटर। अच्छा, जो पेंडुलम की लेंथ है दैट इज 55 सेंटीमीटर, और जिस इंस्ट्रूमेंट से किया है उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कितनी है, 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर बोले तो 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या इतनी ही गलती लेंथ में आप कर सकते हो, मैंने बताया जो लीस्ट काउंट होता है वही क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। सो डेल्टा एल की वैल्यू आप खटाक से मिल गई कितनी, 0.1 सेंट, बोलो सही नहीं समझे, लीस्ट काउंट क्या है, देखो जो लीस्ट काउंट है दैट विल गो एज एब्सोल्यूट। आपने लेंथ मेजर की 55 सेंटीमीटर और उसमें कितनी गलती कर सकते हैं आप, 0.1 सेंटीमीटर तक की, तो ये हो गई गलती। अब क्या पूछा है, द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू, चार ऑप्शन दिए हैं, 0.7%, 6.8%, 3.5% एंड 0.2%। हमसे पूछा है परसेंटेज एरर इन जी, अच्छा पहले एक जी आया कैसे, तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g, सबको पता होगा ये चीज, ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π²L/g। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम जी को इधर ले गए, जी इज इक्वल्स टू 4π²L/t², जी को सब्जेक्ट बना लिया। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए परसेंटेज एरर इन जी, यही होगा, यही तो रिक्वायर्ड है हमसे, यही तो पूछा है परसेंटेज एरर इन जी, मतलब डेल्टा जी बटे जी इंटू 100, ये हमसे पूछा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी बटे जी इज इक्वल्स टू 4π² कॉन्स्टेंट गया, L/t², तो डेल्टा एल बटे एल, और टी स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, 2 × Δt/t। अपने पास अगर इसकी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू हो, तो डेल्टा जी बटे जी मिल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर। अच्छा अब ध्यान से सुनो, यहां पे आप गलती क्या करोगे, डेल्टा एल आपको पता है, बिल्कुल पता है डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, एल भी आपको पता है, बिल्कुल पता है कितना है, 55 सेंटीमीटर। चलो इन दोनों में तो कोई मेहनत नहीं करनी है। अब बात आती है डेल्टा टी और टी की, तो डेल्टा टी की वैल्यू कई बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा, आंसर भी आ गया होगा, डेल्टा टी की वैल्यू रखी होगी 1 सेकेंड और टी की वैल्यू 30 सेकेंड। मुंह मत छुपाओ किया तुमने ये काम, फेस करो इसको, ये गलत है, आंसर तो सही आया, ये एटीट्यूड पहले छोड़ दो, 10th क्लास वाला आंसर सही आया, इसका सही है 2010 वाले सवाल का गलत हो जाएगा, जी 2010 का ये कॉन्सेप्ट गलत है। पहली बात समझो, टाइम पीरियड 30 सेकंड नहीं है बच्चों, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन, और ये टाइम किसका है, 20 ऑसिलेशन का, और डेल्टा टी क्या है, एरर इन 1 ऑसिलेशन, और आपने क्या रख दिया, एरर इन 20 ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशन मेजर करने में कितनी गलती हो रही है, 1 सेकेंड, हमें ये नहीं चाहिए, हमें डेल्टा टी एरर इन मेजरिंग 1 ऑसिलेशन, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पर आंसर सही आ जाता है, अभी बताएंगे वो भी क्यों। अब सुनो, मान लो हमसे कहता है कि n ऑसिलेशन करने में टी सेकेंड्स लग रहे हैं, कितने ऑसिलेशन करने में, n ऑसिलेशन करने में टी सेकेंड्स लग रहे हैं, जैसे 20 ऑसिलेशन में 30 सेकेंड्स, तो
तो एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, टी बटे एन सेकेंड्स। एन ऑसिलेशंस में टी सेकेंड्स लग रहे, तो एक ऑसिलेशन कितना टाइम, टी बटे एन। और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो टी इज इक्वल्स टू टी बटे एन, ऐसे निकलेगा टाइम पीरियड। आपने टाइम पीरियड जो लिख दिया था 30 सेकेंड, वो गलत था। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, कितना हो जाएगा टी बटे एन। एक सीख लो, इसके बेस पे चार पांच सवाल आपको मिलेंगे जेई में आए हुए, है ना। 2019 में आया, 2018 मेंस में आया, 2008 में आया, 2010 में आया, इसके सवाल आए कई बार। T इज इक्वल्स टू T बाई एन। अच्छा, ये क्या है T, टाइम टेकन फॉर N ऑसिलेशन। N क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब यहां से आप डेल्टा T भी निकाल सकते हो। डेल्टा T कितना हो जाएगा, यहां से बताओ, डेल्टा T इज इक्वल्स टू N क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये तो कॉन्स्टेंट चीज है, 1 बाई N। और T की जगह क्या लिख दोगे आप, डेल्टा T। बोलो हो जाएगा, यहां से समझ लो, डेल्टा T बाई T इज इक्वल्स टू, पहले यहीं से पकड़ो, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1 बाई N डेल्टा T, या ऐसे समझ लो, यहां से अगर आप लिखोगे डेल्टा T इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, डेल्टा T, सॉरी डेल्टा T बाई T इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाई T, ये बनेगा। भाई N तो एक नंबर है, अरे यार जैसे यहां पे 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, हट जाता है कि नहीं, तो N तो क्या एक नंबर है अपने पास। कितनी वैल्यू इसकी, 20 ऑसिलेशन, यहां पे 20 लिखा है, तो डेल्टा T बाई T इधर करोगे तो इधर डेल्टा T बाई T, खत्म। अब डेल्टा टी क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, कितना हो रहा है आपसे, ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा टी। और टी कितना है बच्चों, 30 सेकेंड्स, खत्म। आपको डेल्टा टी बाई टी मिल गया, समझ में आई बात, सिंपल। इतना पर यह चीज आपको आनी चाहिए, यहां से देखो, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी, क्लियर है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी। एन क्या है अपना, एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो उससे कोई मतलब नहीं। चलो अब यहां रखते हैं, डेल्टा एल बाई एल कितना है, 0.1 अपॉन 55 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, यानी डेल्टा टी बाई टी यानी कितना, 1 अपॉन 30। अब देखो कई लोग का क्यों सही आ रहा था आंसर, क्यों सही आ रहा था, क्योंकि वो डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकंड रखते थे, टी की वैल्यू 30 तब भी आई, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, इनका जो रेशियो एलेटरी वो इसके इक्वल हो जा रहा, बट एक्चुअल में ये 1 सेकंड नहीं है, एक्चुअल में ये टी 30 सेकंड्स नहीं है, 30 सेकंड्स टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस है। हो गया, अब यहां से आपको क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए ना, तो क्या करो, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, ये भी पूरा मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, खत्म। यानी 0.1 अपॉन 55 इंटू 100, 2 इंटू 1 बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहां से पॉइंट हटा, 0 0 कैंसिल, 5 इज़ 5, 5 इज़ 5, 5 2 इज़ 10, प्लस 2 इज़ 2 और 15, 100 बटे 15, 5 3 इज़ 15, 5 2 इज़ 10, 20, 2 बाई 11 यानी पॉइंट 20, 11 इज़ 11, 90, 11 8 इज़ 88, 20, 11 इज़ 11, प्लस 3 6 इज़ 18, 20, 3 6 इज़ 18, 20, 6.66 इन प्लस 0.18, 6.66 प्लस 0.18, 68 14 1 8 6.84%, कोई ऑप्शन है, स्लो स्लो किया क्योंकि पहली बार था ये, अब अपनी गलती आप समझ गए, हो सकता हो आपका आंसर सही आया हो पर आप ये मिस्टेक करके आंसर लाए हो, एक्चुअल में क्या टाइम पीरियड में गलती एक सेकंड की है, एक सेकंड की गलती हो रही है 30 सेकंड मेजर करने में, 20 ऑसिलेशन में एक सेकंड, एक ऑसिलेशन में कितनी गलती होगी, 1 बाई 20। एक्चुअल डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो भी आप चाहो तो यहां पे नोट कर लो, आगे क्वेश्चन में काम आएगी, एक्चुअल जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा टी बटे एन, यहां से डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बटे, ये एक्चुअल एरर हुई टाइम पीरियड की। हाँ, डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू डेल्टा टी बाई टी के बराबर आ रही थी, इसलिए जो आप गलती कर रहे थे पता नहीं चल रहा था, आप इसकी वैल्यू 1 सेकंड रखते थे, टाइम पीरियड 30 सेकंड रखते थे, आपका आंसर सही आता था, बट एक्चुअल में क्या टाइम पीरियड 30 सेकंड्स है, 20 ऑसिलेशन में 30 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन के लिए 30 बटे 20, 1.5 सेकंड्स है एक्चुअल, एक्चुअल इसकी वैल्यू है 1.5 सेकंड्स, और एक्चुअल इसकी वैल्यू है 20 ऑसिलेशन में गलती एक सेकंड की, तो एक ऑसिलेशन में गलती 0.05 सेकंड्स की,
ये एक्चुअल वैल्यूज थी इनकी, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रेशियो हम देख रहे हैं बन जा रहा है। एन ऑसिलेशन के लिए टी सेकेंड्स, फिर से एक ऑसिलेशन के लिए टी बटे एन, एक ऑसिलेशन टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, यहां से डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, एन तो एक कॉन्स्टेंट है वो आएगा नहीं। डेल्टा टी एरर इन मेजरिंग टाइम कितना है, एक सेकेंड, टी टाइम मेजर्ड कितना है, 30 सेकेंड्स। What is the actual error in time period? यहां से डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बटे एन। एक और सवाल करते हैं, चलो लेते हैं जेई मेंस 2018 का सवाल। इसी कॉन्सेप्ट पे तीन चार सवाल कराएंगे, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 14 जेई मेंस 2018 का, क्या है सवाल, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इतना, मीन वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर, पढ़ रहे हैं सवाल, 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, द एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी, सेम सवाल है, ट्राई करो जरा, सेम सवाल ट्राई करो, डेल्टा जी बटे जी इन टू 100 आपसे पूछा है, अटेम्प्ट करो ये वाला खुद से, अभी भी कराया है, 3% ऑप्शन बी, 2% ऑप्शन सी, 1% ऑप्शन डी, 5% ट्राई करो, क्या क्या दे रखा है आपको, लेंथ की वैल्यू दे रखी है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20.0 सेंटीमीटर, और क्या लिखा है, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी सबसे ज्यादा एक्यूरेट कितना हो सकते हैं हम, 1 मिलीमीटर, तो सबसे बड़ी गलती भी क्या हो सकती है, 1 मिलीमीटर लिखा है, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, ज्यादा से ज्यादा हम कितना एक्यूरेट है, 1 मिलीमीटर तक, तो सबसे बड़ी गलती भी 1 मिलीमीटर, तो यहां से आपको क्या मिल गया, एक तरह से डेल्टा एल की वैल्यू मिल गई 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन यानी 100 ऑसिलेशन का टाइम दिया है 90 सेकेंड्स यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, जो रिस्ट वॉच है वो सबसे छोटा टाइम क्या मेजर करता है, 1 सेकेंड, तो सबसे बड़ी गलती क्या करेगा, 1 सेकेंड की, है ना, तो लीस्ट काउंट ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड लिखा है ना, एंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, अब ट्राई करो इसको, सेम सवाल एकदम ट्राई करो, हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो, हो गया, अप्रॉक्स आंसर 2.7 के आसपास आया होगा आपका, सो फाइनल ऑप्शन विल बी ए, चलो करके देखें, चलो टी इज इक्वल्स टू सेम 2π√L/g, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π²L/g, जी इधर आ जाएगा, जी इज इक्वल्स टू 4π²L/t², फिर क्या आप लिख सकते हो, डेल्टा जी बटे जी इज इक्वल्स टू 4π², तो कॉन्स्टेंट डेल्टा एल बटे एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बटे टी, आप ये एक्सप्रेशन तो अब याद कर लो, यहाँ तक डेल्टा जी बटे जी इज इक्वल डेल्टा L/L, अभी 2-3 सवाल और करने हैं, हो गया, अब आ जाते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू पता है, पता है, एल की वैल्यू पता है, पता है, डेल्टा टी की वैल्यू पता है, 1 सेकेंड, नो 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 नो, 1 सेकेंड गलती होगी 100 ऑसिलेशन मेजर करने में, हमने कहा कितने ऑसिलेशन, 100, कितना टाइम लगा, 90, कितनी गलती होगी सर, 1 सेकेंड की गलती हो सकती है, क्योंकि घड़ी ना 1-1 सेकेंड उसमें इंटरवल में चल रही है, तो हो सकता है 1 सेकेंड ज्यादा या कम मैंने पढ़ लिया, इससे ज्यादा गलती नहीं, 1 सेकंड की गलती तुमने कितने ऑसिलेशन में की, 100 ऑसिलेशन, हमने तुमसे कहा कितने ऑसिलेशन देखो, 100, तुमने 100 ऑसिलेशन देखे, कितना टाइम हुआ, 90 सेकंड, हमने पूछा पक्का, तुमने कहा हो सकता हो 89, हो सकता हो 91, क्योंकि घड़ी 1-1 सेकंड के फ्रेम में चल रही है, हमने बोला अच्छा ठीक है, यानी तुम 90 सेकंड मेजर करने में 1 सेकंड की गलती कर रहे हो, तुम 100 ऑसिलेशन में 1 सेकंड की गलती कर रहे हो, 1 ऑसिलेशन में नहीं, यह क्या है, गलती टाइम पीरियड में, गलती 1 ऑसिलेशन की, तो फिर से आओ इसको बार बार प्रैक्टिस कर लो ताकि ये स्ट्रांग हो जाए, फिर से एन ऑसिलेशन के लिए, यहीं पे आप, हमको पता है आंसर आ रहा है, हमें मत बताओ सर आंसर आ गया है, आंसर आ जाएगा, 2010 का सवाल फंसेगा, एन ऑसिलेशन के लिए टी सेकेंड्स लगा, तो 1 ऑसिलेशन के लिए टी बटे एन सेकेंड्स लगेगा, एन ऑसिलेशन के लिए टी सेकेंड्स लगा, 1 ऑसिलेशन के लिए टी बटे
एन सेकेंड्स, और एक ऑसिलेशन को जो टाइम लगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, तो टी इज इक्वल्स टू टी बटे एन। यहीं से डेल्टा टी बटे टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बटे टी, और कोई आपसे सीधा से पूछ ले डेल्टा टी की वैल्यू तो आप बोल दोगे डेल्टा टी बटे एन। अभी तो खैर इसकी जरूरत है, चलो आ जाओ डेल्टा जी बटे जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बटे एल, डेल्टा एल 0.1 बटे एल 20 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बटे टी, डेल्टा टी एरर इन वन टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड जरूरत भी नहीं निकाल सकते हो टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन 90/100 होगा टाइम पीरियड और एरर इन वन टाइम पीरियड होगा, देखो 100 ऑसिलेशन में गलती हो रही है एक सेकेंड की, तो एक ऑसिलेशन में 1/100। खैर आ जाओ डेल्टा टी बटे टी इज इक्वल डेल्टा टी बटे टी, डेल्टा टी एरर इन मेजरिंग टाइम कितना है 1 सेकेंड, टी यहां से देखो टी टाइम मेजर्ड कितना है 90 सेकेंड्स, तो 2 × 1/90। अब बच्चा जो गलत किया वो भी यही लिखेगा क्योंकि उसने सोचा होगा डेल्टा टी की वैल्यू ये है और टी की वैल्यू ये है, क्या सच में ये टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड तो 90/100 होगा ना, 90/100 है ना। खैर अब मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा, तो इधर भी 0.1/20 × 100 प्लस 2 × 1/90 × 100 ये मिल गया परसेंटेज एरर। खत्म करो सवाल को, पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो, डबल जीरो डबल जीरो 1/2 यानी 0.5 प्लस यहाँ से एक जीरो मर गया 20/9 यानी 9 × 2 = 18 2, ठीक है 2.22 प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा 2.2 or 5.72%। कोई ऑप्शन है करीब करीब ये वाला मार सकते हैं 3%। क्लियर हो रहा है? अगर सही में हमसे पूछ लेता कि टाइम पीरियड में क्या एरर है तो ये होती, बहुत इजीली समझो 90 सेकेंड्स में एरर हो रही है एक सेकेंड की, या समझो 100 ऑसिलेशन में एरर हो रही है एक सेकेंड की, तो एक ऑसिलेशन में एरर कितनी होगी 1/100 के, यही तो हमें चाहिए। अब यहां से देखो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू कितनी है 100 1/100, नहीं आया फिर से जो एरर इन एक्चुअल टाइम, समझ लो ना जरूरत पड़ेगी इसकी, एरर इन एक्चुअल टाइम पीरियड है भाई, 100 ऑसिलेशन में आप गलती कर सकते हो एक सेकंड की, तो एक ऑसिलेशन में आप गलती करोगे 1/100 सेकंड की। यहां से जरा फॉर्मूला चेक करो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बटे एन, डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड, एन की वैल्यू 100। अभी एक और सवाल करते हैं, चलो मिटा रहे देखते हैं जेई 2018 का सवाल, तब मेंस और एडवांस नहीं होते थे, तब आईटी जेई मेंस की जगह होता था एक एग्जाम AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, और जो आज की डेट में जेई एडवांस बना है उस टाइम उसका नाम सिर्फ आईटी जेई था 2008 में, तो जेई 2008 का सवाल आप ऐसा समझ लो ये जेई एडवांस का सवाल है, उस टाइम मेंस एडवांस होते ही नहीं थे, एक ही पेपर था तो एडवांस था है ना, आईटी की सीट से मिलती थी। चलो तो 2018 क्वेश्चन नंबर 15 है असाइनमेंट का, ये बढ़िया है, क्या दिया है इसमें हमको, एक बढ़िया एक तो हमको टेबल वेबल बना के दिया है, क्या टेबल बनाया है कि तीन स्टूडेंट, सवाल आ गया 3 स्टूडेंट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू, अरे बाप रे वही क्वेश्चन है, यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम दे यूज डिफरेंट लेंथ ऑफ द पेंडुलम और रिकॉर्ड फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द ऑब्जर्वेशन आर शोन इन द टेबल, तो हमको एक टेबल दे रखी है यहाँ स्टूडेंट, यहाँ लेंथ ऑफ पेंडुलम, यहाँ नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ टाइम टेकन फॉर एन ऑसिलेशंस और यहाँ टाइम पीरियड, ठीक है हमको ऐसी इन्होंने एक लिस्ट बना के दी है, लिस्ट बनाई है हमको, ठीक है क्या है यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1, 2, 3 नाम भी नहीं रखा है ना, वही सुषमा पुष्पा और बबीता, ठीक है लेंथ कितनी है 64 सेंटीमीटर में, फिर क्या है 64 सवाल दिख रहा होगा और फिर 20, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 844, टाइम टेकन फॉर एन ऑसिलेशन 120 सेकेंड्स में, 128 सेकेंड्स, 64 सेकेंड्स, 36 सेकेंड्स, टाइम पीरियड इन सेकेंड्स खुद ही दे दिया है 16 सेकेंड्स, 9 सेकेंड्स, तो पहले तो पॉज करके ट्राई करो है ना, सर पीट लो तो फिर मैं जो समझाऊंगा तुमको उसकी वैल्यू समझ में आएगी, सीधा सीधा आ जाओगे तो फिर हम समझ में नहीं आएगा क्या बताया सर ने, अरे तो कुछ खास नहीं लगा, एक बार खुद से सर पीटो, चलो चलो हो गया
पॉज करके ट्राई करो, क्या पूछा है सवाल में। हाँ अच्छा, लीस्ट काउंट फॉर लेंथ दे रखा है, पहले रुक जाओ, डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर, ये दिए। लीस्ट काउंट फॉर टाइम दे रखा है, यानी डेल्टा टी दे रखा है 0.1 सेकंड। क्या हम कैपिटल टी मेजर कर रहे होते हैं या स्मॉल टी मेजर कर रहे होते हैं? स्मॉल टी। हम देखेंगे 8 ऑसिलेशन में 128 सेकंड लगा, फिर हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 ऑसिलेशन में 128 सेकंड लगा, तो एक में कितना, इसको 8 से डिवाइड किया, 8 1 8 48 8 6 48 16 सेकंड। 4 ऑसिलेशन में 64 सेकंड लगा, तो एक ऑसिलेशन में कितना लगा, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 16 सेकंड। समझ में आया? तो हम ये मेजर करते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंट से करते हैं और वो कैलकुलेट। तो एक्सपेरिमेंट में हमसे टाइम मेजर करने में कितनी गलती हो सकती है, 0.1 सेकंड, बिकॉज लीस्ट काउंट कितना है 0.1। गलती किस में होगी, इसको मेजर करने की, किसको, इसको, हम इसको मेजर, हमने 128 सेकंड मेजर किया और उसमें हम गलती कर सकते हैं 0.1 सेकंड की। अच्छा, अब बोला है इफ E1 E2 E3 आर द परसेंटेज एरर इन G, दैट इज डेल्टा जी बटे जी इंटू 100 फॉर स्टूडेंट्स 1, 2, and 3 रिस्पेक्टिवली। फिर ऑप्शन दिए हैं कि E1 जीरो है, ऑप्शन है E1 की वैल्यू जीरो है, ऑप्शन बी E1 की वैल्यू मिनिमम है, ऑप्शन सी E1 इज इक्वल्स टू E2 है, ऑप्शन डी E2 जो है वो मैक्सिमम है। E1, E2, E3 क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। E1, E2, E3 इज डेल्टा जी बटे जी इंटू 100, ये है एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी, एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। अब हमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ट्राई कर लो जरा एक बार, पॉज करके कर लिया, पॉज करके बढ़िया से ट्राई कर लो, चलो हम करें, चलो भाई। तो हमें निकालना क्या है, डेल्टा जी बटे जी इंटू 100, तो डेल्टा जी बटे जी इंटू 100, इसकी वैल्यू जो पहले स्टूडेंट के लिए आएगी उसको हमने E1 बोल दिया, दूसरे स्टूडेंट के लिए जो इसकी वैल्यू आई उसको हमने E2 बोला, और तीसरे स्टूडेंट के लिए जो इसकी वैल्यू आई उसको हमने E3 बोला। समझ में आ रहा, पहले स्टूडेंट ने जो गलती की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में उसको हमने E1 बोला, दूसरे स्टूडेंट ने जो गलती की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में उसको हमने E2 बोला, और तीसरे ने जो गलती की उसको हमने E3 बोल दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू होगी कितनी, बड़ी देर से आप देख रहे हो क्या आ रहा है, डेल्टा एल बटे एल इंटू 100, कहाँ लिखूं, बड़ी देर से आप देख रहे हो इसकी वैल्यू आ कितनी रही है, डेल्टा जी बटे जी इंटू 100, इसकी वैल्यू आ रही है डेल्टा एल बटे एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बटे टी इंटू 100, बोले यही आ रही है बार बार। तो हमें देखना है कि किसके लिए इसकी वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है या जीरो, यही तो है ना। E1 क्या है, इसी चीज की वैल्यू फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, E2 क्या है, इसी चीज की वैल्यू फॉर सेकेंड। बेसिकली हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से सवाल पढ़ो, इफ E1, E2 एंड E3 आर परसेंटेज एरर्स इन जी फॉर स्टूडेंट्स 1, 2, and 3 रिस्पेक्टिवली, इसके लिए जो परसेंटेज एरर है उसका नाम E1 दे दिया, इसके लिए E2, इसके लिए E3। चलो तो E1 देखते हैं, आओ, डेल्टा एल बटे एल, डेल्टा एल कितना है 0.1, एल कितना है 64, तो 0.1 बटे 64 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बटे टी। अब देखो दिमाग लगाएंगे हम, डेल्टा टी की वैल्यू हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, हमें टाइम पीरियड में कितना एरर है बिल्कुल नहीं पता, ना निकालना है हमें, हम दिमाग लगाएंगे। इतनी देर से हमने बार बार देखा है कि जो टी होता है वो टी बटे एन होता है, और जो डेल्टा टी बटे टी है वो डेल्टा टी बटे टी आता है। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.1, और टी की वैल्यू कितनी है 128, तो 0.1 बटे 128 इंटू 100। अच्छा, E2 की वैल्यू निकालो, डेल्टा एल बटे एल, डेल्टा एल कितना होगा 0.1, लेंथ कितनी है इसके लिए 64, समझ रहे हो कुछ, अरे तभी तो एडवांस का सवाल है, मेहनत करनी पड़ रही है। इसके लिए क्या निकालना है हमको, सेकेंड स्टूडेंट के लिए एरर इन जी, तो इसके लिए इस सेकेंड स्टूडेंट के लिए डेल्टा एल की वैल्यू तो अभी भी यही है, इंस्ट्रूमेंट तो वही था, मेजरमेंट कितनी है 64, ये लिखा 2 इंटू डेल्टा टी, क्या डेल्टा टी की वैल्यू है हमारे पास, तो हम डेल्टा टी बटे टी की जगह क्या दिमाग लगा देंगे, डेल्टा टी बटे टी। इस वाले के लिए डेल्टा टी फिर से यही होगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सेम है, वो वॉच तो सेम है,
अपॉन सेकेंड स्टूडेंट के लिए टाइम की वैल्यू कितनी रखेंगे 64। ये हैक समझ में आ रहा है? आप चाहो तो टी की वैल्यू निकाल लो, आप चाहो तो डेल्टा टी की वैल्यू भी निकाल लो और फिर उसके बाद रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लो, टी बटे एन, टी कितना है 128 बटे एन कितना है 8, तो ये आ जाएगा 16। और फिर डेल्टा टी की वैल्यू ऐसे निकलेगी, डेल्टा टी बटे एन, डेल्टा टी कितना है पहले वाले के लिए 0.1, एन की वैल्यू कितनी है 8। फिर डेल्टा टी को टी से डिवाइड करो, यहाँ से देख लो टी की वैल्यू ये डेल्टा टी की है, डेल्टा टी को टी से डिवाइड करो 0.1 बटे 8, इससे भी कर सकते हो 0.1 बटे 8 डिवाइड बाई 128 बटे 8, 8 कटा 0.1 बटे 128, वही तो आ रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो पूरी मेहनत करो, तुम टाइम पीरियड निकालो टी बटे एन से, टी कितना है 128, एन कितना है 8, छोड़ दिया। डेल्टा टी कैसे निकलेगा, डेल्टा टी बटे एन से, डेल्टा टी कितना है 0.1, एन कितना है 8, फिर उन्होंने कहा डेल्टा टी बटे टी निकालना, चलो रखो 0.1 बटे 8 अपॉन 128 बटे 8, 8 8 कटा 0.1 बटे, अरे यार इतना क्यों मेहनत करोगे, इतने में तो हो चुका सवाल। डेल्टा टी बटे टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बटे टी, खेल खत्म। डेल्टा टी की वैल्यू 0.1, टी की वैल्यू 128, समझ गए। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई 100। आते हैं तीसरे वाले बच्चे पे, तीसरे स्टूडेंट बबीता अपनी। बबीता ने कितनी गलती की है भाई, लेंथ में तो एरर इतनी ही है 0.1, लेंथ कितनी मेजर की इसने 20, बदल बदल के एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बटे टी, क्या करोगे डेल्टा टी बटे टी, डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 और तीसरे स्टूडेंट के लिए टी की वैल्यू 36 मल्टीप्लाइड बटे 100। अब देख लो यार, एक तो मिनिमम मैक्सिमम चेक, अच्छा ये सिंगल करेक्ट है तो पहले ये चेक कर लो मिनिमम मैक्सिमम है ना, या ये देख लो कोई बराबर है कि नहीं, फिर इसको इवन क्या जीरो है पहला ऑप्शन चेक करो, जीरो कैसे होगा यार, प्लस हो रही किसी में कोई चीज तो ये तो सही नहीं हो सकता, इवन इज नॉट जीरो, या जब ऐड हो रहा है तो कैसे जीरो होगा, कुछ तो वैल्यू है। क्या इवन इज मिनिमम, चलो ये चेक करते हैं, इन तीनों में मिनिमम कौन है ध्यान से, ये दोनों का ये सिमिलर है, इसमें ये अलग है, मेरे ख्याल से ये ऊपर सबका सेम है, देखो डिनोमिनेटर में कहानी चेंज हो रही है, न्यूमरेटर सबका सेम है, बोलो सही बोलो, न्यूमरेटर सबका सेम है, इसके दोनों डिनोमिनेटर छोटे हैं, इसके दोनों डिनोमिनेटर इन दोनों से छोटे हैं E3 के, यानी ये ओवरऑल सबसे बड़ा होगा, यानी E3 तो अपना हो गया मैक्सिमम, इसके दोनों डिनोमिनेटर देखो इनसे छोटे हैं, न्यूमरेटर सबका बराबर है, ये भी छोटा इससे भी तो ये क्वांटिटी सबसे बड़ी, और ये भी छोटा इससे भी और इससे भी तो ये क्वांटिटी इनसे बड़ी, तो ओवरऑल ये बड़ा होगा कि नहीं, इसके डिनोमिनेटर सबसे छोटे हैं तो ओवरऑल ये क्वांटिटी बड़ी होगी, न्यूमरेटर बराबर। अच्छा, इन दोनों में कंपेयर करो, ये टर्म तो बराबर हो गया, इस टर्म को देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है मतलब ये टर्म बड़ा हो गया, सबसे बड़ा E3 फिर E2 फिर E1, बोलो समझे, पहले सबसे बड़ा ये क्यों, इसके दोनों डिनोमिनेटर छोटे सबसे बड़ा, फिर इन दोनों में ये सेम हो गया, इसका डिनोमिनेटर छोटा तो यानी ये बड़ा, यानी E1 सबसे छोटा फिर E2 फिर E3, यानी E1 इज मिनिमम, लो मिल गया। और क्या चेक करोगे, E1 इज इक्वल्स टू E2, बिल्कुल नहीं, E2 बड़ा है भाई साहब, साफ साफ दिख रहा है E1 से, ये बराबर और ये डिनोमिनेटर छोटे से बड़ा, तो ये भी गलत हो गया, E2 इज मैक्सिमम, नहीं भाई E3 इज मैक्सिमम। आ गया, अब 2010 का सवाल लेते हैं, देखते हैं आप कर पा रहे हैं कि नहीं, इस तरह के सीरीज का आखिरी सवाल, क्लियर है, चलो तो DPP का सवाल नंबर 16 आ गया स्क्रीन पे, ट्राई करो। अब जिसने कॉन्सेप्ट गलत पकड़ा था उसका ये सवाल नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। चलो JEE 2010 का सवाल है ये भी एडवांस का सवाल समझ लो, क्योंकि JEE मेंस JEE एडवांस होता नहीं था तब, एक ही JEE होता था। क्वेश्चन नंबर 16 JEE 2010, नीट वाले बच्चे परेशान ना हो, जो JEE मेंस के सवाल है वहां पीक लेवल के होते हैं। हाँ, JEE 2010, अ स्टूडेंट uses a simple pendulum exactly 1 meter length to determine g acceleration due to gravity. He uses stopwatch with least count 1 second for this and records 40 seconds for 20 oscillations. देख रहो सब ऐसा ही है, सब में ऐसा ही हो रहा है, 20 oscillations के लिए कितना time लग रहा,
40 सेकेंड्स। अब तो आप समझ गए ये किसकी वैल्यू है टी की, ये किसकी वैल्यू है एन की। और क्या बोला है, ही यूजेस स्टॉप वॉच विथ लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच कितनी है 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है ध्यान देना, हाँ 1 सेकेंड। और क्या, ही यूजेस सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ, एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ, यानी भैया लेंथ मेजर करने में कोई गलती नहीं हुई है, एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि जो लेंथ है वो एकदम सही मेजर हुई है, यानी ये आपसे अब कहना चाह रहा है कि लेंथ में जो एरर है डेल्टा एल वो जीरो है। अच्छा अब क्या पूछा है, ऑप्शन ए एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टाइम पीरियड इज, अच्छा ऑप्शन ए है कि डेल्टा टी की वैल्यू 0.05 सेकेंड है, ऑप्शन बी है डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड है, ऑप्शन सी है परसेंटेज एरर डेल्टा जी बाई जी इन 200 परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 5%, और ऑप्शन डी है डेल्टा जी बटे जी इन 200 परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2.5%। बढ़िया सवाल है, चलो पॉज करके ट्राई करेंगे, पॉज करके ट्राई करेंगे, पॉज करके ट्राई करेंगे। ये मल्टीपल करेक्ट है, इज आर ट्रू बोल रखा है, मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है कहने का मतलब, इज आर ट्रू, पॉज करके हो गया, अब तक हो जाना चाहिए सब सवाल। चलो भाई साहब पहले डेल्टा टी निकालने की बात किया इस बार, अब बच्चा सोचो सोचता डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड मार के चला आता, पर तुमको पता है कि 1 सेकेंड किसमें एरर हुई है, हाँ? 20 ऑसिलेशन में, हमने आपसे कहा कितने ऑसिलेशन मेजर करो, 20, 1, 2, 3, 4, आपने 20 मेजर किए, हमने पूछा कितना टाइम लगा, आपने कहा 40 सेकेंड, हमने कहा पक्का, आपने कहा सर हो सकता हो 39 हो सकता हो 41, क्योंकि ये घड़ी एक एक सेकंड के इंटरवल पे चल रही है, तो हो सकता है 1 सेकंड हम गिन ना पाए हो, है ना, हो सकता है वो आगे वाला हो पीछे वाला वो हम सही ना गिने हो, कि हमने कहा 40 हो सकता हो 41 ना हो 39, तो आपने गलती 20 ऑसिलेशन में की है 1 सेकंड की, और ये क्या है गलती 1 ऑसिलेशन की पूछ रहा है। कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब 1 ऑसिलेशन का टाइम, 1 ऑसिलेशन में कितनी गलती है 1 सेकंड की, इसको आप खट से निकाल सकते हो अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लो बिना फॉर्मूले के, 20 ऑसिलेशन में कितनी गलती है 1 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन में कितनी गलती होगी 1/20 सेकेंड, यानी 0.05 सेकेंड। आया, 20 ऑसिलेशन मेजर किया, हमने पूछा कितना टाइम, आपने कहा 40 सेकंड, पक्का कहा सर 1 सेकंड चल रही थी, शायद गलती हो गई हो, शायद 41 को मैंने 40 बोल दिया और शायद 39 को 40, तो यानी 20 ऑसिलेशन में सर मैंने 1 सेकंड गलती की है, एरर इन 20 ऑसिलेशन, तो हमने पूछा नहीं 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 ये बताओ 1 ऑसिलेशन कितनी गलती, हमने कहा सर 20 में 1 सेकंड की, यानी 1/20, हर ऑसिलेशन पे 1/20 की गलती कर रहा हूं मैं, फॉर्मूले से कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, टी इज इक्वल्स टू टी बटे एन, और मैंने आपको बताया है डेल्टा टी की सीधे वैल्यू डेल्टा टी बटे एन सिखा रहा हूं शुरू से, खत्म। डेल्टा टी एरर इन मेजरिंग टाइम 1 सेकेंड, एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन बोलो 20, बोलने का समय आ गया, 1/20 यानी 0.05, तो चाहे तुम फॉर्मूले से करो चाहे तुम कॉन्सेप्ट से करो, इसे बोलते हैं अंदर से सवाल फील हो जाना, है ना, बच्चा आता बोलता अच्छा गलती लीस्ट काउंट होता है एरर, पहले तो पकड़ लेता लीस्ट काउंट होता है एरर, ये पढ़ के आया था चतुर्बुद्धि, लीस्ट काउंट एरर मार देता सीधा, नहीं ये एरर हुआ है 20 ऑसिलेशन में, यहाँ 1 ऑसिलेशन के एरर। इसके बाद हलवा सवाल है, डेल्टा जी बटे जी पूछा है, तुमको रट गया होगा, डेल्टा जी बटे जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बटे डी, इस बार ये टर्म जीरो है, क्यों भैया, क्योंकि लेंथ परफेक्टली मेजर हुई है, डेल्टा एल जीरो, तो सीधा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बटे टी। सर डेल्टा डी बटे टी निकालना है क्या मेरे को, कोई जरूरत नहीं है निकालने की तेरे को, तेरे को ये पता है, हाँ सर पता है, तो यहाँ से तुम ये लिख सकते हो क्या, ये डेल्टा टी बटे टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बटे टी लिख सकते हो कि नहीं, डेल्टा टी बटे टी इज इक्वल डेल्टा टी बटे टी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी एरर इन टाइम 1 सेकेंड, टाइम टेकन फॉर एन ऑसिलेशन 40 सेकेंड, डेल्टा जी बटे जी यानी 1/20। अरे भैया हमको परसेंटेज में चाहिए, तो ले लो सर परसेंटेज में, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज एरर मिल जाएगा आपको, 0 से 0 मर गया, 2 5 10 5% की एरर है, मोर देन 1 करेक्ट दोनों सही। अब आया तुम्हें कॉन्सेप्ट का यूज,
इसीलिए आप पहले वाले क्वेश्चन तो सही कर देते, बट ये सवाल आप गलत कर जाते है। इत्तेफाक ऐसा हो रहा था कि आप डेल्टा टी की वैल्यू ये रखते थे, टी की वैल्यू ये रखते थे, काम बन जा रहा था। देखो ऐसा लग भी रहा है डेल्टा टी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 40, जबकि आपको पता ऐसा है नहीं। डेल्टा टी की वैल्यू है या और टी की वैल्यू होगी 40/20, 2 सेकेंड। चल ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। असाइनमेंट का है क्वेश्चन नंबर 17 और ये है जेई एडवांस 2016 का सवाल। क्या बोल रहा है इस बार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, द फॉर्मूला यूज्ड फॉर टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन इज, इस बार फॉर्मूला चेंज कर दिया। क्या करना है आपने, टी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई अंडर रूट 7 इंटू आर माइनस आर बटे 5g, ये फॉर्मूला कर दिया है। द वैल्यूज ऑफ आर एंड आर आर मेजर्ड टू बी, चलो जो डेटा दिया उसको छाप लेते हैं। आर एंड आर आर मेजर्ड टू बी, आर है 60 ± 1 मिलीमीटर और स्मॉल आर है 10 ± 1 मिलीमीटर, ठीक है। The least count of the watch used for measuring the नहीं फिर क्या है सॉरी इन 5 successive measurement the time period is found to be, अच्छा 5 बार measure किया time period है ना, इस बार an oscillation oscillation नहीं, number of oscillation नहीं, time period को ही 5 बार calculate किया, 5 बार थोड़ी अलग अलग values है, फिर true value कैसे निकलती थी उसका mean लेके, याद है यही सवाल है ना, basic एकदम starting पढ़ाया था, absolute error, mean absolute error, mean value, error analysis के lecture में वो एक question है ना। टाइम पीरियड इन 5 successive मेजरमेंट्स द टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी 0.52, ठीक है सेकंड्स में बता रहे हैं, कॉमा 0.54 नहीं कॉमा 0.56 कॉमा 0.57 कॉमा 0.54 कॉमा 0.59, ठीक है। अब क्या पूछा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज 0.01 सेकेंड, जो वॉच यूज की है उसका लीस्ट काउंट ऑफ वॉच, ठीक है, दिस इज 0.01 सेकेंड। क्या ये डेल्टा टी है यानी एरर इन टाइम पीरियड है, नहीं, ये क्या होता है डेल्टा स्मॉल टी, आप ये चीज समझ चुके हो। लीस्ट काउंट ऑफ वॉच किसका एरर होगा, टोटल टाइम का एरर, कि टाइम पीरियड का एरर होता है ये टोटल टाइम का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है तो मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं यानी मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें बोला है इज आर टू। पहला है द एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि वो 10% है। दूसरा ऑप्शन है टाइम पीरियड, डेल्टा टी बटे टी इंटू 100 की वैल्यू कितना बोल रहा है 3.57% है। तीसरा ऑप्शन है डेल्टा टी बटे टी इंटू 100 की वैल्यू 2% है और चौथा ऑप्शन है डेल्टा जी बटे जी इंटू 100 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परसेंटेज है, ठीक है 11%। मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं तो आपको ट्राई करना है सवाल, ट्राई करेंगे पॉज करके ट्राई करेंगे, हो गया पॉज करके ट्राई कर लो, शुरू करूं। चलो अब मोर देन वन करेक्ट है तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 इज इक्वल टू, यानी परसेंटेज एरर इन आर इज 10%, क्या ये सही है, और निकाल लेते हैं पहले पार्ट को चेक करते हैं। डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, डेल्टा आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, सही बात है 10%, यानी पहला ऑप्शन एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर परसेंटेज एरर 1/10 × 100, सही। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं एरर इन मेजरिंग टाइम पीरियड, है ना वो ये है या तो, या इन दोनों में से दोनों करेक्ट नहीं हो सकते ना, एरर इन मेजरिंग टाइम पीरियड या परसेंटेज एरर इन मेजरिंग टाइम पीरियड, या तो 2% या तो ये, तो आ जाओ अब इसके लिए पूरी वो कहानी कौन सी जो आपने वहां पढ़ रखी थी मेरे से एरर एनालिसिस के लेक्चर के स्टार्टिंग में। पहले आप क्या करोगे, इससे आप ट्रू वैल्यू निकालोगे, मीन टाइम पीरियड कितना होगा 0.52 + 0.56 + 0.54 + 0.57 + 0.54 + 0.59 डिवाइड बाई कितनी मेजरमेंट है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 9 5, तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी
और निकालते हैं 2, 6, 8, 7, 15, 4, 19 और 9, 28, 2 गया आंसर 5, 5, 5, 5, 5, 25 और 2, 27, 2.78, बोलो सही है, 2, 6, 8, 7, 15, 4, 19 और 9, 28, 2, 5, 5, 5, 5, 25 और 2, 2.7, divide by 5, so this will be 0.55 is 25 or 28, so this will be 5, 5 is 25 or 30, 5, 6 is 30, 0.556, पर आप देख रहे हो यहाँ पे दो ही decimal place हैं, यहाँ पे भी दो ही दो ही significant figure हैं, यहाँ पे भी दो ही decimal place हैं, तो यहाँ पे भी दो decimal होनी चाहिए, so this will be 0.56 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद non zero number है, तो ये हो गई आपकी t mean की value, कुछ मैंने calculation तो नहीं की है, 2, 6, 8, 4, 12 और 9, 12 और 9, 21 और 7, 28, 2, 5, 5, 10, 15, 25 और 2, 27, 5 पॉइंट लगेगा, 5, 5 is 25, 28, 5 is 30, 5 is, ये आया, बट आप देख लो डेसिमल के बाद दो ही वैल्यू है, और एडिशन में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ही आनी चाहिए यहाँ पे भी, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे दो डिजिट के लिए, तो 5 के बाद नॉन जीरो नंबर, तो फाइनली राउंड ऑफ हो जाता है 0.56, ये टी मीन की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको, अब आती है डेल्टा टी निकालने की बारी, तो बच्चों आपको याद हो आपको बहुत सारी एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू, डेल्टा टी थ्री, याद आ रहा है, डेल्टा टी फोर एंड डेल्टा टी फाइव, ये क्या होता था, टी मीन की वैल्यू माइनस पहली वाली, टी मीन की वैल्यू माइनस दूसरी वाली, टी मीन की वैल्यू माइनस तीसरी, टी मीन की वैल्यू माइनस चौथी, टी मीन की वैल्यू माइनस पांचवी, इस तरह से मीन कितना है ये, माइनस पहली कर दो 0.56 minus 0.52, 0.04, ये कितना हो जाएगा 0.56 minus 0.56 minus 0.07 minus 0.01, 0.56 minus 0.54, 0.02, 0.56 minus 0.09, 0.03, कैसा minus, इसमें से इसको minus, इसमें से इसको, ये आपको ढेर सारी absolute error मिल गई, फिर हम क्या करते थे, mean absolute error निकालते थे, mean absolute error निकालते थे, ठीक है, ये मैं डालू, किसकी जरूरत है, जरूरत पड़ेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर ये निकाल लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते थे डेल्टा टी, है ना, कैसे निकलता था, मॉड ऑफ डेल्टा टी वन मॉड प्लस मॉड ऑफ डेल्टा टी टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा थ्री थ्री प्लस मॉड ऑफ डेल्टा टी फोर एंड मॉड ऑफ डेल्टा टी फाइव डिवाइड बाई फाइव, क्या करते थे, इन सभी एरर का मॉड लेते थे, सभी को पॉजिटिव फॉर्म में लेते थे, फिर उसका मीन कितना हो जाएगा 0.04 प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो सबको जोड़ लो, ये नेगेटिव जो है ये भी पॉजिटिव, ये याद आ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई है सबका पॉजिटिव वैल्यू के ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो 0.04 प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना हो जाएगा 4, 1, 5, 2, 7, 3, 10 बन गया आंसर 1, तो दिस विल बिकम ऑफ टू बी, एक बार करके देखते हैं, 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03, ये तो होगा ये 4, 5, 3, 8, 10 0.01/5, सो दिस विल बी पॉइंट, ये भी नहीं कटा 0.02, तो टी की वैल्यू कितनी आई थी 0.56 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.02, नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बटे टी इन 200, ये मैं डाल लूं 1, 2, 3, 4 में डाल लूं, ओके, अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बी डेल्टा टी बटे टी इन 200, डेल्टा टी इज 0.02 और टी की एवरेज वैल्यू 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही है, ठीक है, यहां से पॉइंट हटा, यहां से पॉइंट हटा, सो दिस विल बी 2 1 2 2 2 4 और 16 2 8 16 28 से आपको काटना है, तो 25 से काट के तो करीब करीब 4 आता, पर नीचे आप अगर 25 होता तो करीब करीब 4 आता, 25 से थोड़ा ज्यादा है, डिनोमिनेटर 25 से थोड़ा ज्यादा है, देखो हम 25 मान के अगर सोचें तो 4 आएगा, पर डिनोमिनेटर थोड़ा ज्यादा है, मतलब वैल्यू थोड़ी सी 4 से थोड़ी सी कम, तो 4 से थोड़ी सी कम ये हो सकती है, ये हो सकती है, तो ये हो सकती है, बट चेक कर लो क्योंकि इसमें मल्टीपल करेक्ट है, और निकाल लेते हैं, 2 से काटते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4, 25 is 4, 7 is 7, 7, 3 is 21, क्या बचा 40, 7, 5 is 35, 50, 7, 7 is 49, 3.57.
परसेंटेज। अब ये सही हो गया तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन चेक करना है हमें, किया जाए मिटा इसको। ओके, अब ऑप्शन डी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी चेक करना है जी की वैल्यू। चलो पहले तो आप जी को सब्जेक्ट बनाओगे, जी को सब्जेक्ट बनाने के लिए करना पड़ेगा दोनों तरफ का स्क्वायर करना, इसे मिटा दो। जी को सब्जेक्ट बनाने के लिए करना पड़ेगा दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, सो इट विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर 7 आर माइनस आर अपॉन 5 जी। यहां से जी इस तरफ जाएगा, दिस विल यू विल गेट 4 पाई स्क्वायर 7 आर माइनस आर अपॉन 5 टी स्क्वायर। अब यहां से आप वैल्यू लिखो, डेल्टा जी बटे जी, 4 पाई स्क्वायर और 7 सब कांस्टेंट गए, डेल्टा आर माइनस आर। अब मैंने क्या किया, इस आर माइनस आर को एक टर्म बना लिया, जैसे शुरू में हमने रेजिस्टेंस के लिए आर प्लस आर को एक टर्म बना लिया था, इसको हमने एक टर्म बना लिया आर माइनस आर को, डिवाइडेड बाई आर माइनस आर। वरना हम डील नहीं कर पाते, माइनस भी हो रहा है कुछ डिवाइड भी हो रहा है, हमने पढ़ाई नहीं, इसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, हम डिफरेंशिएशन करना नहीं चाहते, तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा इस पूरे को एक टर्म बना लेते हैं ए आर माइनस आर को, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 5 तो कांस्टेंट 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बटे टी। करना क्या पड़ेगा, आर माइनस आर निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल ही सकते हो आर माइनस आर, यहां साइड में निकाल लो, आ जाओ आर माइनस आर की वैल्यू विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स, इसको ये ए है डेल्टा ए बटे है आर माइनस आर, 60 माइनस 10 50 प्लस माइनस, इसमें से ये माइनस कर देंगे जीरो, नहीं करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा ऐड होती है, सो 1 प्लस 1 विल बी 2, पढ़ाया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा ऐड। अब ये एक टर्म बन गया है ए टाइप का, ये ए हो गया, ये डेल्टा ए हो गया, भाई दोनों को अलग अलग डील करते कोई तरीका नहीं था हमारे पास, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आता है हमें डिविजन मल्टीप्लीकेशन, पर यहां माइनस भी हो रहा है डिवाइड, तो इसको हम डील नहीं कर पाते, इसे हमने कहा इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको एक टर्म, इसकी वैल्यू ये बस खत्म, डेल्टा आर माइनस आर की वैल्यू 2, आर माइनस आर की वैल्यू 50, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी, अच्छा परसेंटेज निकालना है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा आर माइनस आर इज 2, आर माइनस आर इज 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये अगर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 3.57, तो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो 3. बोलो आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 3.57, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.00 मर गया, 5 × 2 = 10 4% प्लस ये हो जाएगा 2.5 करीब करीब 7% नियरली, है ना, 4 और 7 11%। बोलो आ गया, ए करेक्ट बी करेक्ट एंड डी करेक्ट, ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सब साथ में डील नहीं कर सकते, तो हमने कहा इसको एक टर्म, जैसे हमने आर प्लस आर को बनाया था, आर माइनस आर को, आर माइनस आर निकाल लिया, इसमें से ये माइनस और एरर हमेशा ऐड होती है, ये डेल्टा ए, ये ए डेल्टा ए अपॉन ए, क्लियर है। चलिए अब करते हैं आज के क्लास का आखिरी सवाल, जो कि फिर से है जेईई एडवांस का सवाल 2017 का, और जो डीपीपी का हमारा है सवाल नंबर 12। चलो करते हैं, अभी मैं डिफरेंशिएशन को अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई, बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन करा लेते थे, इसमें क्वेश्चन और भी तरीके से करने के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ अ वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल, ये जेईई एडवांस 2017 का सवाल है। A person measures the depth of a well by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact at the bottom of the well. The error in अच्छा ठीक है, क्या कर रहा है, कुछ कहानी बता रहा है, एक well है, ठीक है, कुआं है, कुएं में प्रिंस फंस गया था यार, तुम लोग बहुत छोटे रहे होगे, है ना, एक बार एक बच्चा गड्ढे में गिर गया था, पूरी आर्मी आ गई थी, फौज आ गई थी, टीवी पे न्यूज आ गई थी, उसको नीचे बिस्किट खिला रहे थे, उसको नीचे चॉकलेट खिला रहे थे, बड़ा लंबा ऑपरेशन चला था, सर्च करना कभी प्रिंस ऑपरेशन, गड्ढे में गया था। A person measures the depth of a well by measuring the interval between dropping a stone. यहाँ से एक हमने stone गिराया, जाके नीचे stone टकराया,
एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इंपैक्ट विद द बॉटम ऑफ वेल. ये स्टोन हमने गिराया, यहां पर लगा टंग, और उस टंग की जो साउंड हमारे पास है टंग, इन दोनों टाइम इंटरवल को हमने मेजर किया और इससे हमने डेप्थ ऑफ वेल निकाली. क्या निकाली? डेप्थ ऑफ वेल. ठीक है, अभी दिखाएंगे कुछ कैलकुलेशन थी, है ना, कुछ मैथ्स हमने पढ़ रखी थी, कुछ फिजिक्स हमने पढ़ रखी थी, जिसके चलते हमने इससे लेंथ ऑफ वेल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बना लिया, है ना. यहां से लड़ा स्टोन, उसके बाद साउंड आया टन और साउंड ऊपर गया. मान लेते हैं स्टोन को गिरते वक्त टाइम लगा T1 और आते वक्त टाइम लगा T2. A person measures the depth of a well by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact. यहां से ड्रॉप किया डम और ये इसका साउंड पहुंचा डम. तो ये टाइम इंटरवल इसने मेजर किया ना, बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग अ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इंपैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल. द एरन इज मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम जो मेजर किया है, टोटल टाइम जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है, मेजरमेंट ऑफ टाइम उसमें जो एरर हुई है उससे, यानी जो डेल्टा टी है दैट इज 0.01 सेकंड. ठीक है, इसमें डेल टी लिखा है, डेल टी भी एरर को ही बोलते हैं. ठीक है, आपके एग्जाम में डेल टी लिखा हो या डेल्टा टी लिखा हो, डेल होता है बहुत ही छोटा. ठीक है, डेल्टा डिफरेंस और डेल, ये जिसको बोलते हैं डेल मतलब बहुत छोटा. चलो, द एरर मेजरमेंट टाइम इज इतना एंड ही मेजर द डेप्थ ऑफ वेल टू बी 20 मीटर. जो ये लेंथ है, ये जो डेप्थ है, जो डेप्थ है, इसकी वैल्यू इसने मेजर की है 20 मीटर. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को किया, इसने टाइम वाइज नोट किया और फॉर्मूला भी हम दिखा रहे हैं, फॉर्मूला बनाया, उससे लेंथ कितनी आई 20 मीटर. ठीक है, फाइन. टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जी की वैल्यू बोल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ले लो मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, एरर फ्री है. Take the acceleration due to gravity as itna, and the velocity of sound as 300 meter per second. Velocity of sound as 300 meter per second. क्या निकालना है? Then the fractional error in the measurement. Fractional error in the measurement. आपसे पूछ रहा है delta L बटे L की value कितनी है? यहाँ side लिख देते हैं. Delta L बटे L into 100. यहाँ पे del लिखा हुआ है. डीपीपी में डेल का मतलब भी डेल्टा होता है, एरर. ठीक है, ऑप्शन दे रखा है इस क्लोज टू 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 0.2%. क्लोज टू बोला है, एग्जैक्टली नहीं, क्लोज टू, नियरली इसमें से किसके हो. अब आप ये सवाल कैसे करोगे, सुनो ध्यान से. बंदे ने किया क्या, बंदे ने ये टाइम मेजर किया होगा, ये टाइम मेजर किया होगा, एक फॉर्मूला बनाया होगा, टाइम उसने नोट किया होगा, उस फॉर्मूले में लेंथ आई होगी और लेंथ कैलकुलेट किया होगा. वेट से इसको उसने कैलकुलेट किया है और टाइम को उसने मेजर किया है, तो टाइम की गलती उसको पता है कितनी हो रही, लेंथ में कितनी गलती होगी ये पता लगाना है. एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? डेप्थ ऑफ वेल L की वैल्यू पता करना, पता चल गई और उसमें एरर भी है, टाइम मेजर किया. अब सुनते हैं, जाते वक्त कितनी लेंथ नीचे गया L, तो T1 कैलकुलेट करते हैं. पहले T1 क्या है? एक स्टोन ड्रॉप किया है L डेप्थ नीचे. अब आपने इतना क्लास 10th में पढ़ा होगा कि एक स्टोन को यदि आप ड्रॉप करो और वो L डिस्टेंस नीचे जाए तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0. यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लगता है? G. तो कितना टाइम लगेगा? आप इक्वेशन लगा सकते हो S is equals to UT plus half AT square. अब ये एडवांस का सवाल है तो ये सब तो एक्सेप्ट करेंगे, आपको आता हो. अभी हम लोग काइनेटिक्स में इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत याद होगा आपको, है ना. इक्वेशन ऑफ मोशन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्टोन? L. इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टोन को ड्रॉप किया है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू बोलो जी के बराबर टी स्क्वायर. टी तो पता लगाना है कितना. यहां से t इज इक्वल टू हो जाएगा 2l by g अंडर रूट. जितने लोग पढ़ रखे होंगे ये चीज पता भी होगी. तो t1 की वैल्यू हो गई 2l by g, यानी अंडर रूट 2. लेंथ की वैल्यू बोलो कितनी है? 20. g की वैल्यू कितनी है? 10. 2 सेकंड. यानी इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड का टाइम लगा. अब t2 कैलकुलेट करते हैं. t2 क्या है? यहां नीचे से साउंड वेव आ रही है ऊपर. साउंड वेव कितना डिस्टेंस चली? L. किस स्पीड से चली? Vs स्पीड से. ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
लेंथ की वैल्यू कितनी है 20, साउंड की स्पीड 300 कटा 1/15, 00 कटा 1/15 सेकंड्स। चलो तुम्हें T2 भी मिल गया 1/15 सेकंड्स। अब इन दोनों टाइम को ये जोड़ेगा, एक फॉर्मूला बनाएगा, उससे लेंथ की वैल्यू निकालेगा। ठीक है, ठीक है, कैसे नोट कर लो, बताए फिर नोट कर लो। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यहां से स्टोन गिराया, नीचे पोजीशन कितना टाइम लगा, अंडर रूट 2L/g ना, s = ut + r, u कितना है 0 ड्रॉप किया है, a कितना है g, कितना टाइम लगा t, लौटते वक्त साउंड आते वक्त मतलब l लेंथ चला vs स्पीड से। अच्छा मिटा दे। अब देखो उसे एक्सप्रेशन में लेंथ भी तो चाहिए, तभी तो लेंथ में एरर पता चले। टाइम तो उसने मेजर किया, लेंथ को वो कैलकुलेट करेगा। ध्यान से t1 का एक्सप्रेशन बताओ, t1 is equals to under root 2L/g, और T2 का एक्सप्रेशन बताओ, T2 is equals to L/Vs। यहां से अगर मैं डेल्टा T1/T1 निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, ये पूरी पावर कितनी है, हाफ L की पावर हाफ G की पावर हाफ, वी कैन राइट इट लाइक दिस की नहीं, रूट टू एल की पावर 1/2 जी की पावर 1/2। सही है, रूट टू बाहर कर दो एल की पावर, तो ये हो जाएगा हाफ डेल्टा एल बटे एल प्लस हाफ डेल्टा जी बटे जी। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इस बार कोई एरर नहीं, उन्होंने बोला टेक द वैल्यू ऑफ जी, गिवन है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये टर्म हो गया जी। डेल्टा T1/T1 इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा एल बटे एल। यहां आ जाओ, डेल्टा T2/T2 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बटे एल डेल्टा Vs/Vs। बोलो सही। अब स्पीड ऑफ साउंड में कोई गलती, इन्होंने बोला है टेक द स्पीड ऑफ साउंड एज जितना, यानी इसमें कोई एरर नहीं, तो ये टर्म हो गया जीरो। अच्छा, डेल्टा T2/T2 इज इक्वल्स टू डेल्टा L/L। अब सुनो, हमें क्या दिए ने, हमें डेल्टा T गिवन है, एरर इन टोटल टाइम, तो उसने कंप्लीट टाइम मेजर किया है गिरने का और साउंड के आने, मतलब यहां से स्टोन के नीचे जाने का, वहां से यहां तक साउंड के आने का, उस पूरे में कितनी एरर हुई है, इतना, मतलब दिस इज डेल्टा T1/Δt2, वो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे डेल्टा T1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा L/L इनटू T1। T1 की वैल्यू कितनी है 2 रख देंगे, सो हाफ इनटू डेल्टा L/L इनटू 2, 2 कैंसिल हो जाएगा डेल्टा L/L। यहां से T2 की वैल्यू डेल्टा T2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा L/L इनटू T2। T2 की वैल्यू कितनी है 1/15, सो दिस विल कम आउट टू बी डेल्टा L/L इनटू 1/15। अब पहले वाले टाइम में एरर और दूसरे वाले टाइम में एरर, यदि दोनों को हम जोड़ दें तो टोटल एरर इन टाइम मिल जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो आराम से। चल हाँ, सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा T1/Δt2, टोटल एरर इन टाइम, पहले वाले में जितना गलती हुई है दूसरे वाले में, इसकी वैल्यू 0.01, डेल्टा T1 की वैल्यू डेल्टा L/L, डेल्टा T2 की वैल्यू 1/15 डेल्टा L। So this will be equal to, LCM will be 15, ये 15 और ये हो जाएगा, LCM हो जाएगा 15, इधर 15 से multiply, plus 1, 16 times of delta L/L is equal to 0.05. यहाँ से you will get, delta L/L is equal to 15/16 into 0.01. आपको चाहिए किसमें, percentage में, तो दोनों तरफ 100 से multiply कर लो, delta L/L into 100 is equal to 15/16 into 0.01 into 100. 100 से मल्टीप्लाई करो कि ये हटा, 20 हटा, 15/16 आया, 15/16 करीब करीब आपका एक वैल्यू बराबर जा रहा है, तो करीब करीब आंसर आपका 1% के आसपास आ जाएगा। मजा आया, दिमाग लगा, बहुत बढ़िया। तो ये थे एरर एनालिसिस के बेस्ट सवाल, इसको आप फिर से एक बार खुद से करिएगा प्रैक्टिस, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।